हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप फटाफट से बनने वाला चिकन बहुत ही मज़ेदार एकदम झटपट से बनकर तैयार हो जाए और उतना ही टेस्टी बने तो भाई ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको बनाने के लिए बहुत कम टाइम चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए है, फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस चिकन लो, धुलो उसको ना, कुछ भी मसाले भी नहीं मिलाने हैं, ऑयल में डालो इसको, अच्छे से फ्राइड कर लो, हल्का सा नमक डालिएगा और उसके बाद सेम पैन में बचे हुए ऑयल में, मतलब ऑयल अगर ज़्यादा है कम कर लिएगा, कम है तो थोड़ा बढ़ा लिएगा। आधी छोटी चम्मच जीरा लेना है, 4-5 काली मिर्च, 2 लौंग, 2 तेज पत्ता डाल दिए, साथ में एक हरी इलायची, एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, जायफल और एक बड़ी इलायची। उसके बाद जीरा जैसे ही झटक जाएगा, हमने यहाँ 2 बड़े प्याज लिए हैं जिसको हमने ग्राइंड कर लिया था, और ये जो चिकन है 500 ग्राम लिया है। बस फटाफट से ये करना है हमें, प्याज को अच्छे से भून लेना है, मतलब इसका जो कलर है पूरी तरह से चेंज हो जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा ये ब्राउन सा दिखना शुरू हो गया है, मतलब हल्का ये कलर चेंज हो गया है जिस तरह से आप यहाँ देख रहे हो। बस इस तरह से हमें इसको पूरी तरह से पका लेना है। और बाद में हमने यहाँ एक बड़ा टमाटर लिया था जिसका ये इस तरह से हमने पीस लिया है पहले से ही, और साथ में एक छोटे चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। फटाफट से इस सबको हम कच्चापन खत्म होने तक पकाएंगे। और ये देखो चलाते हुए, बस अब यहाँ बारी है मसाले डालने की। तो हमने यहाँ आधे छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच चिकन मसाला पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच खसखस नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लिएगा, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। बस मसालों को अच्छे से भून लेना है जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। लेकिन भाई मसाले डालने के बाद यहाँ थोड़ा सा पानी डालना है, यानी कि आधा कप के करीब पानी डालने के बाद सबको अच्छे से मिला लेंगे और बस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ मसाला अच्छे से भून गया है, हमें पानी डाल देना है यहाँ 1 ग्लास भर के, और बस पानी में जैसे ही उबाल आएगा चिकन डालना है। चिकन में 2-3 उबाल लगाने के बाद यहाँ मिर्च डाल देना है और इसे हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद थोड़े से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है, हरी मिर्च डालना है और अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च रख लीजिएगा। उसके बाद इसे हमें पकाना है करीब 4-5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद यहाँ पे हम ना इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई यहाँ ले सकते हैं, हमने यहाँ मलाई ली है 2 टेबल स्पून के करीब। बस सबको अच्छे से मिला लेना है, मीडियम फ्लेम को लो रखना है, लो फ्लेम पे। बस इस तरह से आप इसको कुछ मिनट तक, यानी 2-3 मिनट तक और पकाएंगे। अच्छा फ्लेवर लाने के लिए थोड़ी सी यहाँ कसूरी मेथी, 3-4 हरी मिर्च और डाल देना है। भाई ये जो मिर्च डालते हैं लास्ट में, और बस इसको 2-3 मिनट पकाना है, बाद में इसको गार्निश कर देना है फ्रेश कटे हुए हरे धनिया से। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कॉमेंट दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना। मिलते हैं जल्दी एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।